सैकड़ों सपा नेताओं द्वारा महंगाई व बेरोजगारी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील चौरी चौरा में सौंपा ज्ञापन। प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट बढ़ा, किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की उपेक्षा, आरक्षण पर वार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और घोटालों पर नियंत्रण नहीं, महिलाएं बच्चियां असूचित। सैकड़ों सपा नेताओं द्वारा महंगाई व बेरोजगारी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील चौरी चौरा में सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन दिए आप लोग क्या क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर आज तहसील प्रांगण में उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को 13 सूत्रीय मांगों के तहत हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और उस मांगों में हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट हुकूमत, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट है, वो उससे लगातार उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का हो रहा है, नौजवान, किसान, बेरोजगार है। और इस तमाम मांगों को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? हम ज्ञापन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का निर्देश था कि हर तहसीलों पर हम जो सरकार की भ्रष्ट नीतियां उसके खिलाफ हम ज्ञापन दिए हैं SDM महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया को ये भेजने के लिए कि जो भ्रष्ट सरकार है और गरीबों, छात्रों, नौजवानों का जो उत्पीड़न कर रही है, इसी उत्पीड़न को बंद किया जाए। इसीलिए हम यह पत्र दिए, परिपत्र SDM को दिए हैं। आपका नाम और पद क्या? आपका नाम और पद? मैं नरसिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, चौरी चौरा। चौरी चौरा से संवाददाता जितेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट।